दोस्तों आज की कहानी है बड़ी बहू तुम्हारी अमानत तुम ही संभालो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। शादी की भागदौड़ और मेहमान जाने के बाद महिमा जी सामान बटोरने में लगी थी। अब जब थोड़ा आराम मिला है तो कपड़े और गहने व्यवस्थित कर लिए जयसोस काम में लगी थी। महिमा जी की दो बेटे और दो बेटियां हैं। बड़े बेटे बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी है। अभी छोटे बेटे की शादी कर निपटी है। तभी पति प्रकाश जी बोले, शादी हुई 15 दिन हो गए, अब तो शांति से बैठ जाओ भाग्यवान। और ये गहनों के डब्बे बैंक के लॉकर में वापस पहुंचाओ। आज के समय में ये सब घर में रखना उचित नहीं, तुम्हें पता है ना, फिर भी इतनी लापरवाही। जी आपने सही कहा, सारा लेन देन हो गया, बहन बेटियां सब खुश होकर गई हैं। अब सोचती हूँ अपनी बहुओं को भी खुश करूँ, बस इसीलिए ज्ञानों को साट कर अलग कर रही हूँ। अरे साट है, एक बैग में भर दो, मैं कल सुबह में 10 बजे बैंक पहुँचा दूंगा, बात खत्म। नहीं मैं साथी हूँ, बहू के गहने उन्हें लौटा दूँ। अचानक से बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, कितनी मुश्किल से बूंद बूंद करके गड़ा भरा है, इसे दोनों हाथों से लुटाना चाहती हो। वैसे भी खानदानी गहनों में से कितना कम हमें मिला था, फिर मैंने अपनी मेहनत से थोड़ा जुटाया है। अब बहुओं के मायके से इतना मिल गया है, उसे सेहत के रखो और यही तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। बहुए जेवर के लालच में तुम्हारी सेवा करेगी, वरना तुम्हें लात मारने में 2 मिनट नहीं लगेगा। इसीलिए शुभ साहब जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। हूँ तुम भी ना कल की आई लड़की जिससे हमारे घर परिवार के बारे में कुछ पता नहीं, उनके हाथों में लाखों के गहने सौंप दोगी। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो, तुमने मेरी माँ को नहीं देखा था, सार बहुआ के सारे गहने वहने कैसे संभाले थे। अब जब घर की बांगडोर पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है तो तुम्हें वही परंपरा पर कायम रखना होगा, अनाड़ी बहू को सही शिक्षा देनी होगी। क्या सही है क्या गलत है समझाना होगा, गुस्से से आवाज ऊंची करते हुए बोले परंपरा। हाँ उसी के नाम पर ही तो ठगा जाता है बहुओं को। उन्हें अपना समय याद आया, महिमा जी की शादी के 3 महीने बाद उनके अपने छोटे भाई की शादी में जाना था। माँ जी मुझे मायके अपने भाई की शादी में शामिल होने, आप मुझे रानी हार कंगन कमरमंद भारी पायल दे दीजिए। माँ ने कहा है तुम नई नवेली दुल्हन हो, अच्छे से आना, सारे रिश्तेदार हमारी और तुम्हारी तरफ से आया गहना देखना चाहते हैं। बहू पहली बात सारा गहना सुरक्षित रखवा दिया, क्योंकि हम खास मौकों पर ही इतना भारी और महंगा गहना पहनते हैं, फिर तुमसे ये संभाले नहीं जाएंगे। दूसरा तुम्हारे घर वालों ने ऐसा दिया ही क्या है, एक पतला सा हार सैन अंगूठी क्यों हमारे दम पर झूठी शान दिखाना चाहते हैं, और दिखावे के चक्कर में हमें परेशान करना चाहते। इतना महंगा महंगा सामान भरा, जरा सा भी गुम हो गया तो समझी समझन सुख आ नहीं पाएंगे, इसलिए अपने मम्मी पापा की मुश्किलें ना बढ़ाओ जितना पहनी हो। ठीक है कुछ नकली लड़का जाओ, जो सोने से कम नहीं खोने का गम नहीं, कुल मिलाकर जो कुछ भी है सब हमारा है, तुम अपना हक मत समझ लेना। व्यंग या तमक लेजे में बोली, वह ससुराल में कदम रखते ही कमर में
तिजोरी की चाबी छोड़कर ताले की चाबी कमर में लटका दी गई। हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा लिहाज वही लड़की अपने गहने संभाल नहीं सकती। मायके से मिला हो या ससुराल से गहना तो दुल्हन को सजाता, फिर अचानक इसका हल्का उसका भारी कैसे हो गया। सारे सवाल सोचती रही मगर वह मौका नहीं आया जब महिमा जी को सास ने आगे बढ़कर उसके गहने पहनने को दियो हो। मायके ससुराल की कई शादियां निकल गई, हर बार उसने नकली गहने पहनकर झूठी शान बनाई, मगर पारखी लोग तो जानते हैं थे कि सब नकली पहना है। इसीलिए महिमा ने धीरे धीरे नकली गहना पहनना भी बंद कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, धीरे धीरे उसके गहने अपनी बेटियों को उपरा उपहार स्वरूप दे दिए गए या फिर छोटी देवरानियों में बांट दिए गए। पूछने पर बोला गया हमारे पैसों से खरीदे थे, हमारी मर्जी हम किसी को भी बांटे तुम्हें क्या। पति एक आज्ञाकारी पुत्र थे, कभी अपनी पत्नी के पक्ष में खड़े नहीं रहे। उन्हें बोलना तो जैसे भैंस के आगे बिन बजाना था। धीरे धीरे महिमा जी ने शिकायतें करना बंद कर दिया, मगर अब वे शादी हैं कि जो उनके साथ हुआ वह उनकी बहुओं के साथ ना हो। सोनिया जी आप खुद ही मानते हैं कि जो हमारे पास है उसके अलावा दोनों बहुओं का ही स्त्री धन है। अगर हम ऐसा सोच कर कि बहुए हमें बुढ़ापे में गहनों के लालच में खाना देगी तो ये सरासर गलत है, बल्कि ऐसा कर हम उनकी नज़रों में गिर जाएंगे। संद गहनों की खातिर उन्हें तड़पा देंगे तो निश्चित हमारा बुढ़ापा खराब ही होगा। इसलिए मैंने जो सोचा है मुझे वह करने दीजिए, क्योंकि आज मेरे मन में आपकी माता जी के लिए कोई श्रद्धा भाव नहीं है। बस याद है तो उनके कड़वे वसन जो मुझे आज नींद में भी डरावने सपनों की तरह लगते हैं। क्या आप चाहते हैं आप और मैं भी ऐसे लगे अपनी पत्नी की बात सुनते ही। पर किसी को जैसे आभास हुआ कि महिमा कहीं गलत नहीं है। बरसों से उन्होंने अपनी पत्नी को गहनों के लिए रोते बिलखते गिड़गिड़ाते देखा है। कुछ सोच कर भी बोले महिमा तुम्हें ठीक लगता है, वैसा करो एक बार मैं सुख रह कर तुम्हारे साथ नहीं साफी कर सूखा हुआ। बोलकर बहू के साथ ये नहीं करना चाहता महिमा, जो तुम्हारा दिल चाहता है वही करो। तुम सब तत्र हो, इन गहनों के साथ क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। बोल कमरे से चले गए। थोड़ी देर बाद महिमा जी ने आवाज़ लगाकर अपनी दोनों बहुएं नमिता और श्वेता को कमरे में बुलाया और दोनों के हाथों में डब्बे देते हुए कहा तुम्हारी अमानत तुम ही संभालो। आरस्य से दोनों एक दूसरे को देखने लगे थे। वे आगे बोली बेटा हम तो सारी जिंदगी अपने मायके की तरफ से आए गहनों के लिए तड़पते रहे, अब हम नहीं चाहते कि तुम भी उस स्थिति से गुजरो। हमने प्यार से लड़कर अपना हक मांगने की पूरी कोशिश की, उसके बदले मारे गहने समान हमारे सामने ही हमारी ननन लोगों देवरानियों को बांट दिए गए। हमारी सास का मन करता खुद पहनती या किसी को उपहार के रूप में मेरे मायके से आई चीज दे दिया करती, मगर बेटा अब हम नहीं चाहते जो हम पर गुजरी वह तुम पर भी गुजरे। इसीलिए तुम्हारी अमानत तुम ही संभालो और हाँ तुम दोनों अपने नाम से लॉकर लेकर इसे अपने पास संभाल के रखना, जिससे जब जरूरत पड़े तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अपने पतियों के भरोसे ना रहना कि वह जाएंगे बैंक जाएंगे तब जाकर तुम्हारे गहने तुम्हारे हाथों में आएंगे। जब तुम घर परिवार नौकरी आगे बच्चे संभालने लायक हो तो तुम तुम्हारे स्त्री धर्म को सभ्य सहजने योग्य भी हो। नमिता और श्वेता दोनों कहती हैं इतना विश्वास करने के लिए आपका धन्यवाद मम्मी जी।
सुन महिमा जी दोनों बहुओं को अपने सीने से लगा लेती हैं। आज उन्हें अपने साथ हुए गलत को सही पर आत्म संतुष्टि जो मिल रही थी।